लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं भक्तों का गौरव भक्ति हूँ, मैं भक्तों की आस्था पूजा हूँ। चेतराम का बेटा हेतराम कावेरी को लेकर गांव से निकल जाता है। हेतराम के जाने से उत्तेजित चेतराम गोमती को अपमानित करता है। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की, वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की, वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की। आपकी अनुमति और बिना बताए महाराज नई महारानी लेकर आ गए। मेरी बात मान ले पटरानी जी, महाराज के इस अन्याय का विरोध करें। वैराट देश के सभी राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। सावधान पटरानी जी, आपका ये मौन आपके ही संकटों का कारण बन सकता है। देखा देखा महारानी शशि प्रभा, हमारे राजपुरुषों और प्रजाजनों ने कैसा हार्दिक स्वागत किया है आपका। महाराज, मैं इन स्वागत सत्कारों से थक गई हूँ। मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहती हूँ। इन राजपुरुषों और प्रजाजनों को जाने की आज्ञा दें। एकांत, अब तो आप प्रसन्न है ना महारानी? आपकी इच्छा का आदर करते हुए हमारी राजसभा में एकांत हो गया। पधार रही है। बधाई हो महाराज। आपको बधाई देने के साथ साथ मैं इतना अवश्य कहूंगी कि यदि इस विवाह की सूचना आपने मुझे पहले दे दी होती तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती। अर्थात तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो, यही कारण है कि तुमने हमारे साथ साथ हमारी नववधु शशि प्रभा को भी बधाई नहीं दी। एक सौत दूसरी सौत को बधाई कैसे दे सकती है महाराज? महाराज, मैंने अभी अभी सुना कि आपकी पटरानी है। इस पटरानी को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई। पति का प्यार न पाने वाली नारी स्वयं ही सौत को आमंत्रित करती है। यदि इसके रूप और प्रेम में शक्ति होती तो आप मेरे साथ विवाह ही क्यों करते? महाराज, इनसे कहिए ये अपना और हमारा समय नष्ट न करें, हमारे आनंद में बाधा न डालकर अपने आंसू कहीं और बहाएं। तुमने नहीं महारानी का आदेश नहीं सुना कीर्ति? अपने अशुभ कार्य लेकर कहीं और जाकर आंसू बहाओ। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? जहाँ जी चाहे वहीं चली जाओ, पर हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी अशुभ काया महाराज को ही नहीं मुझे भी प्रिय नहीं लग रही है। स्वामी, स्वामी, स्वामी। महाराज, जब तक ये स्त्री यहाँ है तब तक हमारे आनंद के उपवन में
दुख के बादल मंडराते रहेंगे। तुम चिंता न करो महारानी, हम इसके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का प्रबंध कर देंगे। ये हमारे सुख और आनंद को अपने दुख के दलदल में नहीं ढकेल पाएगी। मार्ग चुपचाप कैसे सुन लिया पटरानी जी? ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया? उस दुष्टा ने तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यदि आप इसी प्रकार मौन बनी रही तो आपसे आपका हर सहारा छीन जाएगा। बेला, मेरा सहारा तो मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश हैं। वे मेरे प्रति अन्याय नहीं होने देंगे, मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें महारानी जी, मंगल मूर्ति की चमत्कारी कृपा पर मुझे भी पूरा विश्वास है, पर यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से भगवान भी सहारा नहीं बनते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा वो दुष्टा आपको राजमहल से बाहर फेंकवा देगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति के चरणों से दूर नहीं होना चाहती। उनके चरणों की सेवा के लिए मैं दासी बनने को भी प्रस्तुत हूँ। ये आपकी हार है पटरानी जी। पति सेवा के लिए मुझे अपनी हार भी स्वीकार है। पर मुझे स्वीकार नहीं, आपकी हार से जीत तो उस दुष्टा शशि प्रभा की होगी। मेरी बात माने, उसका विरोध करे। वे राज देश के राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें पटरानी जी। संघर्ष तो शत्रुओं से किया जाता है बेला, अपनों से नहीं। इस शशि प्रभा रूपी शत्रु को आप क्यों नहीं पहचान पा रही है? शत्रु तो बाहर से आता है, परंतु ये भीतर का शत्रु है, अस्तिन का सांप। यदि आपने इसका फन ना कुचला तो ये हम सबको डस लेगी। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश का यही न्याय है तो मैं इसे आनंद से स्वीकार करूंगी। मेरी सौत की अशुभ छाया इस महल से दूर नहीं करते, तब तक आपको मुझे स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? ये मैंने नहीं, आपने कहा था कि उस अशुभ स्त्री की छाया तुम्हारी दृष्टि से दूर कर दूंगा। मेरी सौत जब तक यहाँ है तब तक मैं अपने आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु कीर्ति को राजमहल से दूर करने का अर्थ है प्रजा का विद्रोह। ये सब जानना और समझना मेरा नहीं, आपका काम है। आप अपने वचन की रक्षा करके मेरे प्रेम पर अधिकार पा सकते हैं। क्या ये संभव नहीं महारानी कि कीर्ति भी? नहीं नहीं, ये असंभव है। मुझे अपने चरणों से दूर न करें।
आपके आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगी। केवल आपकी ही नहीं, नई महारानी की भी चरण सेविका बनकर इस महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। इस समय हमारे शयन कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्यों महाराज, आपने इसे बुलाया था? नहीं नहीं महारानी, ये तो पहले से यहाँ पर खड़ी थी। स्वयं आकर हमारे चरण छूने लगी तो हम क्या करते? चरण छूने का अधिकार तो मुझसे नहीं छीन सकते ना? आप भले ही न छीन सकते हो पर मैं छीन सकती हूँ। मैं अपने अधिकार छीनने का हर ढंग भली भांति जानती हूँ। ये इस तरह नहीं मानेगी महाराज, इसे इस राजमहल से ही नहीं वैराट देश की सीमाओं से भी दूर करना होगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ये अन्याय न करें। तुम चाहो तो पटरानी का पद ले लो, किंतु मुझे मेरी पति सेवा से दूर मत करो। दूर तो तुमको जाना ही होगा। तुम जैसी अशुभ स्त्री के साथ मैं नहीं रह सकती। महाराज, यदि इसे वैराट देश से बाहर निकाला नहीं गया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। शांत हो महारानी, शांत। इस प्रकार उत्तेजित होना अनुचित है। मेरा उत्तेजित होना अनुचित है और इसका हमारे शयन कक्ष में बिना अनुमति लिए प्रवेश करना उचित है? ये कैसा न्याय है महाराज? क्या बैराट देश का ये राजमहल अन्याय की नींव पर खड़ा है? इसने दुष्टता की है, इसे आपको दंड देना ही होगा। तुम बात को समझने का प्रयास करो महारानी। यदि हमें पता होता कि आपके मन में इस अशुभ स्त्री के लिए प्रेम और सहानुभूति है तो हम आपके साथ कदापि विवाह नहीं करते। आपने हमारे साथ अन्याय किया है, छल किया है। यह आपकी भूल है महारानी। ये भूल तब तक रहेगी जब तक आप इसे देश निकाला न दे दें। कीर्ति, बिना आज्ञा हमारे शयन कक्ष में आकर तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। नहीं महाराज नहीं, मैं कक्ष के भीतर तब आई थी जब आपने मेरी ओर देखा था। अर्थात इससे पहले राज कक्ष के बाहर खड़ी होकर तुम हमारी बातें सुन रही थी, गुप्तचरी कर रही थी? नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाले का दंड देता हूँ। नहीं महाराज नहीं, मुझे भागत के साथ ऐसा अन्याय ना करें महाराज, ना करें। इस अशुभ स्त्री को वैराट नरेश महाराज शशिवाहन ने देश निकाले की आज्ञा दी है, इसे वैराट की सीमाओं से भी दूर किया जाए। राजाज्ञा का पालन हो। महाराज आप शांत क्यों खड़े हैं? आप अपना आदेश क्यों नहीं बताते? यही राजाज्ञा है, कीर्ति को विराट देश की सीमाओं से दूर किया जाए। नहीं महाराज नहीं, महाराज राजाज्ञा लौटा ले। मैं अभागन कहाँ जाऊंगी महाराज, कहाँ जाऊंगी मैं? राजाज्ञा लौटा ले महाराज, मुझ पर दया करे महाराज। भीख मांगती हूँ मैं, भीख मांगती हूँ। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। हे हर दिन हीन पर कृपा करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे सम्मान की रक्षा करें, मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर ना करें। दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान, दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान, दया करें। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे प्रभु, इस सच्चे गणेश भक्त को आप इस प्रकार उपेक्षा और रोष के साथ ना देखें, इसे आदेश दें प्रभु। अब तक आपकी उपेक्षा और क्रोध के भय से मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या इस समय बिना साहस के ही प्रकट हुए हो दयासुर, जिसमें आसुरी और दुष्ट शक्तियों से टकराने का साहस नहीं होता, वह हमारे आदेश का पालन कैसे कर सकता है? अच्छा होगा तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। जय जय श्री महागणेश। ऐसा न कहे प्रभु, दुष्ट शक्तियों से टकराने का आपकी कृपा से मेरे भीतर पूरा साहस है।
परंतु मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या आज दुसाहस के साथ प्रकट हुए हो दयासुर? नहीं मंगलमूर्ति। हे गौरीपुत्र, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे दंडित करें, परंतु इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। मैं आपकी उपेक्षा का नहीं, कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। जाने अनजाने मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे प्रभु। सच कहो दयासुर, इस समय किस कामना से कैलाश आए हो तुम? हे प्रभु, आपकी कृपा और आदेश की आज्ञा पाने। तेजस्वी महागणेश। कृपा और आदेश तो एक बहाना है दयासुर, सच क्यों नहीं कहते कि तुम हमारे प्रिय भक्त गणेश दास की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने आए हो? भगवान की कृपा और वरदान पाने के बाद जो भक्त भक्ति को भूल जाए वो सच्चा भक्त नहीं, स्वार्थी होता है दयासुर। अर्थात मैं भी आपका सच्चा भक्त नहीं? मेरी भक्ति में समर्पण के स्थान पर स्वार्थ का भाव है? प्रभु, क्या इसी कारण आप उपेक्षा और रोष दिखा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो दयासुर। अपने आप से मैं पूछ पूछ कर तो थक चुका हूँ प्रभु। हे मंगल बुद्धि, मुझ पर कृपा करें। इस विषय पर हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते। हाँ, तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए इतना अवश्य कहेंगे कि भक्ति तो भगवान के समान अनंत है, सागर के समान विशाल है, आकाश के समान विस्तृत है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती दयासुर। तो क्या? तुम्हारे मन की तो मैं नहीं जानता दयासुर, पर गणेश दास की भक्ति तो असीम है। वह पूरे तन मन से भक्ति को समर्पित होकर भक्ति का प्रतीक बन चुका है। तुम उसे भक्ति का साक्षात अवतार भी कह सकते हो। जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, जब आप गणेश दास की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हैं, तो आप अवश्य ही उसे एक और वरदान देंगे। भक्त की भक्ति को पुरस्कार देना तो भगवान की मर्यादा है। जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। हे प्रभु, आप गणेश दास को क्या वरदान देंगे? दयासुर, यदि तुम हमसे आदेश की आशा रखते हो तो ऐसे प्रश्न न पूछा करो। नहीं करूँगा, अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं करूँगा। मुझे केवल अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। मेरी सेवा नहीं, मेरे भक्तों की सेवा। जो आज्ञा, भक्तों की ही सेवा का आदेश दे प्रभु। विराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति हमारी परम भक्त है, परंतु वह इस समय पूर्व जन्मों के पापों का फल भुगतने के लिए न केवल अपने पति की सेवा से अभी तो विराट देश से भी बाहर निकाल दी गई है। तुम्हें उनके भीतर संघर्षों की प्रेरणा जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, संघर्ष की अथवा गणेश भक्ति की? तुमने हमसे इस प्रकार के प्रश्न न पूछने का वचन दिया है दयासुर। अब तुम्हें हमारी भक्त कीर्ति की सहायता कैसे और किस प्रकार करनी है इसका निर्णय तुम स्वयं करो। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। केवल मुझे इतना बता दे कि एक गणेश भक्त नारी को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट कौन है, उनका नाम बताए प्रभु, जिससे मैं उन्हें दंडित करने का उपाय करूं। कीर्ति के पति शशि वाहन को मैं दोषी नहीं विवश मानता हूं। कीर्ति को कष्ट पहुंचाने वाली तो उसकी सौत शशि प्रभा है, परंतु तुम उसको दंडित नहीं केवल सावधान करोगे। उसके दुष्कर्मों का दंड समय के साथ उसे अपने आप ही मिल जाएगा। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम।